मरते मरते बच्चे हैं। थोड़ी सी और आगे जाता ना नीचे खाई में गिरता। ये हादसा ना किसी के साथ भी हो सकता है। कहां जाके रुका ये ट्रक? और ये देखो दिन भर यहाँ पे सोया रहा, कुछ काम नहीं किया उसने, कुछ काम नहीं किया। कैमरामैन फोकस करो। तो भाई साहब ऐसे होता है जब चार लौंडे एक रूम में रह रहे होते हैं ना, कोई नंगा घूम रहा होता है, कोई पंगा घूम रहा होता है, कोई ऐसी घूम रहा होता है। गुड मॉर्निंग भाई, देख लेना भाई साहब। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अलग ही दोस्ती वाला फील आया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको अभी से जानता हूं और अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी। धन्यवाद। तो भाई आशुतोष भाई ने हमें दिया लॉलीपॉप। आशुतोष भाई को जाना है डेट पे? डेट पे नहीं भाई, कॉलेज के गेट पे। डेट पे जब जाऊंगा ब्लॉग आ जाएगा। चलो भाई को अलविदा करो, मिठाई उठाई लगाओ भाई को। लगा दी? अच्छा लगा दी, क्या बात। अच्छा अरे वाह, ये प्यार से आपको पहाड़ में। विपिन भाई ये हमने तो कमाई तो कभी लगाई, लेकिन आप गए नहीं भाई। ये दुनिया का एक मात्र गेस्ट हाउस यार रहने के पैसे। भाई जी को नमना रूम से लेके बाहर आ गए रूप पे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या होता है कभी कोई जैसे जाता है ना, तो हम उसको रोड तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो भाई की गाड़ी यहीं खड़ी है, तो हम यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हैं और सारे लोग ना भाई को छोड़ने के लिए बाहर आए हैं। देख रहे हो भाई, मिलते हैं ब्रो, है ना? हम तो इसी केदार घाटी में मिलते रहेंगे। बिल्कुल, चलो। और कभी दिल्ली आना हो, फरीदाबाद आना हो या कुछ काम हो तो हमें बताना। सुना है दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसा सुना है? हाँ, तो हम तो, लेकिन हम उत्तराखंड वाले हैं भाई। अब देखेंगे जब हम उधर आएंगे। उसके आगे कुछ मत बोलो। तो यार भाई तो निकल गया और थोड़ी देर में ना हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमारा ना उत्तराखंड में लास्ट दिन है। दोबारा जल्दी आएंगे क्योंकि उत्तराखंड अपनी मातृभूमि है, इससे ज़्यादा दिन हम दूर रह नहीं सकते। भाई तो नहा कर तैयार हो गया, रोहित अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा है, गोली अब अपना ब्लॉग कर रहा है। भाई नहा धो के तैयार है, भाई वेट कर रहे हैं कब हम लोग निकले यहाँ से। ऐसी नहीं है, मैं तो यही बोला आज भी यही। नहीं नहीं भाई, अपना दिल बहुत बड़ा है। नहीं, दिल तो आपका बहुत बड़ा है। हाँ। जितना आपका लॉज बड़ा उससे बड़ा आपका दिल है। जल्दी जाएंगे तभी जल्दी आएंगे, भोजन पानी कर दो फटाफट। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी हम नहाते धोते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई नहा धो के हम लोग तैयार हो गए, सारा सामान हम ऊपर लेके जा चुके हैं, ऊपर ब्रेकफास्ट लग गया। बहुत देर से ना भैया बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट लग गया, आजो। तो भाई आज हमारा ब्रेकफास्ट बाहर लगा है, क्या बात है। विपिन भाई ने हमारा खाना लगाया ऐसी जगह पे भाई, यहाँ से भाई ताल का लेक का इतना बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा, क्या सीन है यार। भाई जन्नत में रहते हो तुम तो, कितना प्यारा व्यू है यार तुम्हारे घर के सामने से। यहाँ पे लेक की लेक भी है, हिल स्टेशन भी है, और यहाँ पे सामने देखो, मतलब जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते ना, तो हमारे केदार बाबा 6 महीने यहीं वास करते हैं सामने पहाड़ी पे। क्या बात है, सौभाग्य है तुम्हारा, तुमको दर्शन होते रहते हैं या केदार बाबा आप पे निगाहें रखते हैं। कोई बात नहीं, आप भी आते रहिए और बार बार हमको सेवा का मौका देते रहिए और खाते रहिए हमारा खाना। बिल्कुल, और हम ही नहीं, अगर आप भी केदारनाथ ट्रिप का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई का ना जो रेस्टोरेंट है, होटल है, वो बिल्कुल गुप्तकाशी से पहले पड़ेगा। तो भाई बहुत अच्छे होस्ट है, आपको बहुत मजा आएगा इनके साथ में। न्यू सी पैलेस नाम से भाई का होटल है। तो अभी आपको वैसे बाहर से भी मैं दिखाऊंगा, बाकी यहाँ पे खाना खाते हैं। चलो आप भी बैठो। जो खाने की शौकीन होते हैं वो किसी का वेट नहीं करते। तो भाई निकलने का वक्त हो गया, और निकलते टाइम जो सबसे एक मुश्किल काम होता है ना, वो होता है भाई साहब ये बैग बांधना। तो आज ना मैंने गोली को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गोली उन्हें इस बैग को ऐसे बांधना जैसे बस तेरे पे एक ही रस्सी है, ठीक है। और हमें दिल्ली तक जाना है, क्योंकि आगे तू राइड करेगा तो रस्सी अपने आप बांधनी पड़ेगी ना। तो भाई अपनी गाड़ी वाड़ी तैयार हो चुकी है और अपने लौंडे भी तैयार हैं, और अब हम निकलने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको विपिन भाई का घर भी दिखा देता हूँ। सारा जो देख रहे हो ना, ये केले के पौधे और अजीब अजीब, मतलब मेरे को नाम भी नहीं पता है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इनके। सारा ये गार्डन विपिन भाई का है। अभी विपिन भाई बुला रहे हैं, कह रहे हैं नीचे, और मम्मी बुला रही है। आंटी जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? और ये हमारी भाभी जी हैं, भाभी जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक। और ये विपिन भाई की बच्ची, क्या नाम है इसका? नित्या। हेलो, हाय करो अंकल को। हेलो। और मुझे ऐसा लग रहा है हमने ना विपिन भाई का घर का एक कमरा छाना हुआ, इसमें भी सोए थे ना एक दिन। एक दिन ऊपर बीच में सोए थे, यहां सोए थे, फिर आज। पार्टी का वैसा। तो चले भाई, फाइनली अब निकलने का वक्त आ गया, अब तो निकलते ही है ना। और इन्होंने इसलिए हमको बुलाया था पिठिया लगाने के लिए, पिठाई लगाने के लिए, जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि मेहमान जब घर से निकल रहे होते हैं ना, तो इनके ऐसी तिलक लगाया जाता है हल्दी का। अच्छा अंकल जी नमस्ते। तो भाई लोग हम ना गुप्तकाशी से निकल गए, और जैसे हम गुप्तकाशी से निकले ना, ये देखो 2 लेन का हाईवे आ गया। अभी तक जो था ना सिंगल लेन था, अब आने और जाने के लिए गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड में चलेगी और जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। तो भाई जी गुप्तकाशी से निकल के ना हम ना गवनी गांव करके एक जगह है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पहुँच चुके। और ना भाई ये लोग रुके थे यहाँ पे लस्सी पीने के लिए, तो उन्होंने वैसे हमारे लिए भी ले रखी थी। और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी जल्दी ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। हमारे पास एक रेनकोट कम है,
तीन इनपुट है हमारे पास में। मतलब उत्तराखंड में ना बरसात के टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है कि रोड ना कब गायब हो जाए कुछ पता ही नहीं लगता। अभी देखो आपने पूरी रोड गायब की, आधी से ज्यादा रोड निकल रखी थी वहाँ से। और ये सामने देखो भाई मंदाकिनी नदी, और ये नदी आगे जाके ना देवप्रयाग में जाके अलकनंदा में मिलके ये गंगा बन जाती है। तो भाई जी हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि, और ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पे काफ़ी सारे ना कॉलेज वगैरह हैं, तो यहाँ पे दूर दूर से ना बच्चे लोग पढ़ने वढ़ने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे हॉस्टल्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, तो इसी वजह से ना यहाँ पे थोड़ी चहल पहल ज़्यादा रहती है। भाई ऊपर से ना पूरा इतना बड़ा पत्थर बह के आ गया है, अच्छी खासी टू लेन वाली रोड ना भाई ऐसे बर्बाद हो गई है। तो भाई साहब ये तो उत्तराखंड में रहने की एडवांटेज बोल लो, डिसएडवांटेज बोल लो लोगों की। तो मतलब गुप्तकाशी से ना लगभग हम 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पानी देखा, पानी की धार देखी, यहाँ पे पानी पहले रुक गए क्योंकि अब ना हम दिल्ली की तरफ को जा रहे हैं, तो ये जो धार है ना पानी की, ये जगह जगह मिलेंगे नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग ना श्रीनगर पहुँच चुके हैं। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड का श्रीनगर है। हमारे उत्तराखंड में भी एक खूबसूरत सा श्रीनगर है, और यहाँ पे ना मेरे मामा जी भी रहते हैं, तो अभी ना मामा जी से मिलते हुए चलेंगे। भाई साहब यार फ्रूट कितने महंगे हो रखे हैं उत्तराखंड में, मतलब 200 रुपये किलो सेब और 200 रुपये किलो अनार, 250 रुपये किलो अनार। भाई साहब चलो क्या करें यार, अभी अब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते हैं, तो कुछ ले ही लेते हैं चाहे फिर महंगा कितना भी हो। अब वो मामा मम्मी जी मिठाई तो उनके घर लेके नहीं जा सकते, तो फ्रूट ले लिए। सामने मेडिकल कॉलेज दिख रहा है आपको, हमें इसी में जाना है। यहीं है मेरे मामा जी का घर बोल लो कुछ भी बोल लो, वो यहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे। लास्ट टाइम भी जब चारधाम यात्रा पे आया था ना तब मामा जी के घर गया था, तो अभी भी मैंने कहा कि मामा जी के घर चलते हैं, उनसे मिलके आते हैं। मामा जी को सरप्राइज़ देते हैं, मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, बाइक अपनी पार्किंग लगा दी है। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं मैं उनको सरप्राइज देने जाऊँ कि मुझे सरप्राइज़ ना मिल जाए, मैं घर में जाऊँ उनके वो घर पे ना हो। मामी नमस्ते, पहचान नहीं रहे क्या? मामा जी कहाँ हैं? हाँ ये पहचान नहीं रहे मेरे को है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा मामा जी नमस्ते। पढ़ना फेज में बच्चा कैसे हो? बढ़िया। अरे रुक जाते कैसे हो? आज रुक जाते ना, कल ऑफिस जाना है ना। हाँ तो इसलिए मैंने कहा आज मिलते हुए चलते हैं। अल्लाह जाके काला पड़ गया। हाँ वो हर बार ही हो जाता है, मेरा वीडियो देख रहा था मैं, कहता अल्लाह यार। तो अभी मैं निकल रहा था नीचे, मैंने कहा मामा मम्मी से मिलते हुए चलते हैं। बहुत बढ़िया, और सब बढ़िया अपने मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जा रही है इतने लंबे चक्कर में। और सब बढ़िया, खाना उन्हें भी खाया कि ना? खाना खा के आए, खाना होटल पे खा रहा था। ना खाना खा के आए। कहाँ खाया? टायर का बोल रहे हो? अभी 2 साल, अभी 2 साल हैं। 2 साल कहाँ ले जाओगे इतना पैसा कमा के? रिटायरमेंट लो घर बैठे जी। हम ना देवप्रयाग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर अभी रह गया है, 60-70 किलोमीटर रह गया। और भाई साहब मैं तो सही चल रहा हूँ, अभी गोली को पीछे बैठे हुए ना नींद आ रही थी, तो गोली और मैंने एक एक रेड बुल पी लिया। गोली चेस। भाई साहब ना खाई में गिरते गिरते बचा भाई ये ट्रक, बिल्कुल एक पत्थर था, पत्थर से बांधा हुआ है, नहीं तो नीचे ही चला जाता। बच गया होगा जो इसमें अंधा हुआ है, ऊपर सर लगा उसका, शीशा टूट गया है। रात में चला है, रात में बंदा बच गया, चोट नहीं लगी ना? आप ही चला रहे थे क्या? थोड़ी सी और आगे जाता ना नीचे खाई में गिरता, वो तो आगे ना एक पत्थर आ गया और पत्थर से इसकी स्पीड रुक गई। बाकी फुल लोडेड ट्रक था भाई ये, बिल्कुल नीचे जाता ना खाई में कोई नहीं बचता। कहाँ जाके रुका ये ट्रक भाई रात के टाइम में ना? ड्राइवर से मैंने भी पूछा तो कह रहा मेरी झपकी लग गई, और ये देखो ये बिल्कुल भाई गिरते गिरते बचा, ये भगवान की कृपा ही है इन पर। ये पत्थर आ गया बीच में, कहाँ से पत्थर यहाँ तक आया, और ये पत्थर ने इनको बचा लिया भाई। ये देखो कहाँ पत्थर पर चढ़ गया पूरा ये, और ये थोड़ा सा इधर को होता ना, थोड़ा सा इधर को होता सीधा नीचे खाई में जाता भाई। क्या भयंकर सीन है भाई, इसलिए भाई रात में चलो ना हाईवे पे तो आराम से चलो, क्योंकि रात के टाइम में ना लाजमी है कि नींद तो लगती है, और थोड़ा सा चूक हुई ना, थोड़ी सी चूक हुई तो सीधा आप नीचे जाओगे, खासतौर पे उत्तराखंड में पहाड़ों वाले एरिए में। और देखो पूरा ट्रक ही ऐसी ऐसी हो गई, और कितना सीन, कितना गलत सीन हो गया ये। इसीलिए भैया अगर पहाड़ों में आ रहे हो तो थोड़ी सी थोड़ा सा संभल के, और रात के टाइम पे तो ड्राइविंग अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन जो ट्रक वाले भाई साहब होते हैं ना, ट्रक वाले लोग होते हैं, इनको तो नाइट में ही चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी भाई आप अगर ट्रक वाले भी हो या कोई कैब चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अपना पर्सनल व्हीकल भी चला रहे हो, रात के टाइम पे चल रहे हो तो दिन में अपनी पूरी नींद कर लो और आराम से चलो, वरना ऐसे हादसे ना कोई आम बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकते हैं।
यार हम लोग ना हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हालत देखो कपड़ों की, पूरे कपड़ों की ना बैंड बच चुकी है, हमारी बैंड बच चुकी है, थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं। और यहाँ पे ना हरिद्वार में हमें एक शॉप दिखी है, यहाँ पे ना कड़ी चावल मिल रहे हैं भाई 40 रुपए की प्लेट, बिल्कुल हाईवे के बगल में। और भाई जब देखो बिल्कुल सनसेट हो चुका, कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़। अब यहाँ के बाद ना आगे पहाड़ नहीं दिखेंगे हमें, मतलब पिछले 7-8 दिन से तो भाई हम पहाड़ों में ही थे, लेकिन अब फिर वही जिंदगी पुरानी वाली, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद ना हमारी एक और नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। फिर से हम लोग पहाड़ों में जाने वाले हैं, लेकिन इस बार ना उत्तराखंड हिमाचल लद्दाख के पहाड़ों में नहीं जा रहे, इस बार हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा कवर करने वाले हैं, मतलब ये नहीं कि कोई एक स्टेट, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल खाना खाते हैं और खाने के मजे लेते हैं। भाई साहब जब ना सुबह निकले थे ना उसी टाइम पे कुछ खाया था, उसके बाद ना कुछ नहीं खाया भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमने मंगाया भाई राजमा चावल और कड़ी चावल, हमारा भाई खा रहा है कड़ी चावल और हम खाएंगे राजमा चावल और साथ में स्टिंग, क्योंकि ना थोड़ा बॉडी को ना कैफीन चाहिए था। बहुत थक गए भाई, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पिया रास्ते में, बस बीच में एक रेडबुल पी थी, तो उसी की वजह से ना बिल्कुल खेचम खेच लेके आ रहे हैं अभी तो। अगर अभी हमको दिल्ली जाना है, लगभग 180-190 किलोमीटर और रह गए यहाँ से दिल्ली, उसके बाद 50 किलोमीटर वहाँ से फरीदाबाद। तो गाइस फाइनली यार हम लोग ना मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं, मुजफ्फरनगर से ना 5-10 किलोमीटर पहले होंगे जो मुजफ्फरनगर का टोल है ना, वहां पहुंच चुके हैं। और अभी यहां पे रुके हम चाय पीने के लिए, तो यहां से लगभग 168 किलोमीटर फरीदाबाद रह गया, 3-4 घंटे और लगने वाले हैं, 7-8 बज चुके हैं, तो मतलब 11 बजे तक हम लोग फरीदाबाद अपने घर पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, नमकीन खा लो गाइस। बिना हमें खोके में ना कुल्लड़ वाली चाय मिली, और साथ साथ देखो भैया ने यहाँ पे फोल्डिंग लगा रखी है, तो भैया मैं तो जूते जाते उतार के ना बैठ गया आराम से। Yes. मैं मीठा वैसे कम पीता हूँ, तूने मीठा ठोकवा दिया ना, गोली ने जाके बोल दिया अंकल को, अंकल मीठा ठोक के डाल देना। चाय पी ली और चाय पी के ना थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, तो गाड़ी अब थोड़ा सा और नॉनस्टॉप चलेगी, 15-20 मिनट हम यहाँ पर बैठे रहे। चलो भाई फाइनली यार हम लोग ना नोएडा पहुंच चुके हैं, सेक्टर 73 में रुके हुए हैं नोएडा में। यार यहाँ पे ना परौंठे बना रहे थे एक भाई, तो यहाँ पे रुक के खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी भाई। और ना अभी अभी ना अमित भाई का भी फोन आ गया, वो कह रहे हैं कि आप फरीदाबाद क्या जाओगे, तुम ना नोएडा ही आ जाओ, घर पे आ जाओ। मैं कहा ठीक है यार, भैया ना वैसे ही नाराज चल रहे थे क्योंकि मैं बिना बताया ना उनको केदारनाथ चला गया, तो उसके बाद थोड़ा नाराज थे कि हमारे पहले से कुछ थोड़े प्लान बन रहे थे, और मेरे को करना था वासुकी ताल का ट्रैक, तो मुझे लगा कि शायद भैया ना आए, वो थोड़ा बिजी था। वैसे मैं सीधा घर चले जाता, लेकिन अब भैया का फोन आ गया, दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग। भाई साहब कल रात को ना हम लोग अमित भैया के घर पहुंच गए थे, और अभी मैं अमित भैया के घर पे ही हूँ। हम लोग गुप्तकाशी से निकले थे, सीधा हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे रात में। अब मैं निकलूंगा अपने घर की तरफ को, और सुबह सुबह अमित भैया ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना दिया। अमित भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ना अमित भैया ब्रेकफास्ट भी बना के ले आ गए, ऑमलेट ब्रेड और चाय, तो पीते हैं।